हाय, हाउ कैन यू नो बाय योरसेल्फ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आपको है या नहीं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स होते हैं, यदि वो आप में प्रेजेंट है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए ये देखने के लिए कि आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं। सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हम तब कहते हैं जब साइकिल 21 दिन से कम समय पर या फिर 35 डेज से ज़्यादा टाइम पर आने लगे। यूजुअली PCOS में साइकिल जो है बढ़ बढ़ के होने लगती है, तो कभी 7 दिन 10 दिन आ गए और कभी कभार एक पूरा महीना भी स्किप हो जाता है। सो डिलेड साइकिल्स कैन इंडिकेट दैट यू हैव एन हार्मोनल इम्बैलेंस। सेकेंड, फेस पे हेयर ग्रोथ होना, पिंपल्स होना, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होना, ऑल दी एरियाज जिसमें नॉर्मली फीमेल्स में हेयर ग्रोथ नहीं होती है वहाँ पे हेयर ग्रोथ होना, एंड हेयर का जो कैरेक्टर है वो डार्क पिगमेंटेड और हार्ड होना, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज higher amount of male hormone in your body that is causing the growth of these hair. Also, pimples hona, hair fall hona, ye sari hi cheeze batati hai ki ye hormonal imbalance ki nishani hai. Then teesra, vazan ka bahut zyada hona aur aapka mushkil se vazan kam kar pana. So PCOS ke women mein usually weight gain ek karan bhi hota hai aur ek usko asani se shed na kar pana effect hota hai. Because of metabolic imbalances. So, अगर आप obese हैं और exercise करने के बावजूद भी weight shed नहीं कर पा रहे हैं, that's one symptom of PCOS. Pigmentation होना, darkening of the folds, especially neck के आसपास, armpits का, ये indicate करता है metabolic imbalance, जिसे हम insulin resistance कहते हैं, ये भी एक PCOS का symptom है. इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स होना, रात को आप ढंग से सो ना पाए, स्लीप इनिशिएशन में दिक्कत होना और रात को स्नोरिंग ज़्यादा होना, कभी कभार एयर डेफिशिएंसी के कारण आपका अचानक से नींद में से उठ जाना, साथ ही डिप्रेशन एंजाइटी जैसे सिम्टम्स होना, ये सब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। बट व्हेन यू सी अ डॉक्टर, हाउ डज अ डॉक्टर डायग्नोज यू एस PCOS? सो PCOS होने के लिए हमारे जो क्राइटीरियाज हैं उसमें से 3 में से 2 फीचर्स अगर हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। ये 3 फीचर्स होते हैं साइकिल इरेगुलरिटी, जैसे हमने बात करी पीरियड बढ़ बढ़ के आना या समय से पहले आना। सेकंड, आपको हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर होना, यानी मेल हार्मोन ज़्यादा होने के फीचर्स, जैसे कि हेयर ग्रोथ जिसे हिर्सुटिज्म कहते हैं, पिम्पल्स, एक्ने और हेयर फॉल। थर्ड, अल्ट्रासाउंड में जब देखा जाए तो ओवरीज का वॉल्यूम 10 ml से अगर ज़्यादा हो किसी भी एक ओवरी का, तो वो भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का एक क्राइटेरिया है। इन तीनों में से अगर 2 भी प्रेजेंट है देन यू हैव पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एंड इसकी 4 टाइप्स होती है। सबसे पहली टाइप जिसमें सारे ही 3 फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड टाइप जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड पिक्चर जो है वो नॉर्मल होती है, बट मेल हार्मोन की एक्सेस के फीचर्स और पीरियड इरेगुलरिटी होती है। थर्ड टाइप, टाइप सी, इसके अंदर पीरियड्स रेगुलर होते हैं, तो मेल हार्मोन एक्सेस होता है और अल्ट्रासाउंड एबनॉर्मल होता है। एंड द फोर्थ टाइप जिसके अंदर मेल हार्मोन्स जो है वो नॉर्मल होते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पिक्चर अल्ट्रासाउंड में होती है और आपके साइकिल्स इरेगुलर होती हैं। हर वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज लिखा हुआ होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नहीं होता। अगर आपको और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड पैटर्न है जिसमें बहुत सारे फॉलिकल्स दिख रहे हैं जिसे फॉल्सली सिस्ट कहते हैं, दैट इज नॉट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो डोंट गेट वरीड, सी अ डॉक्टर एंड गेट अ डायग्नोसिस कन्फर्म। इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स डू मैसेज अस। थैंक यू।